जब हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि तीन तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। भारत जब हम छोटे थे तो विकासशील देशों की सूची में आता था। हम पूछते थे कितने दिन में हो जाएगा विकसित, तो हमें कहा जाता था बस 10-12 साल ट्रैक पे। आज भी हम अपने बच्चों को 40 साल बाद यही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद, कि तीन तरह के देश होते हैं और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जगह जगह मैंने जाकर पूछा है, बच्चों क्यों पढ़ना चाहते हो, आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, 99.9% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे जिस देश में स्कूलों में नौकरी के ख्वाब देख के पढ़ रहे हों, उस देश की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब बंद कर देना चाहिए। जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यू नेम द डेवलप्ड कंट्री, यू स्टडी देयर एजुकेशन सिस्टम, दे आर प्रोड्यूसिंग जॉब प्रोवाइडर्स देयर, दे आर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट्स। इवन इफ दे आर नॉट जॉब प्रोवाइडर, दे आर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट्स। एवरी स्टूडेंट कमिंग आउट ऑफ देम इज एंटरप्रेन्योर फ्रॉम देयर माइंडसेट। मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सामान्य किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। मैं अपने हाथों से खेती की है, गाय भैंस की सेवा की है और आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने दुनिया से नौकरी मांगी नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। क्या इन नौकरियों के लिए झगड़े करते रहते हो, हमको नौकरी चाहिए, सब नौकर बनने में लगे हुए हैं। अरे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हारे यहाँ पर 1 लाख नहीं तो 10-20-100-50 हजार आदमी तो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर सके, इतने तगड़े बनो। आज हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3-4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है।